नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को नया राज्य इकाई प्रमुख नियुक्त किया। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पटवारी राव विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार से 35,000 से अधिक वोटों के अंतर से हार गए थे। राज्य में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके चयन को अगले साल महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले हिंदी पट्टी राज्य में एक नई शुरुआत करने के पार्टी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। 15 साल बाद राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पटवारी कमलनाथ सरकार के तहत मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा, खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने 2020 की राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान इस्तीफा दे दिया, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सत्ता संभाली थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1973 को इंदौर के पास एक छोटे से शहर बिजलपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी मल्टी मल्हार आश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर से पूरी की और फिर इंदौर के ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। उनके दादा कोदरलाल पटवारी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि उनके पिता रमेश चंद्र पटवारी भी कांग्रेस के सक्रिय नेता है। पटवारी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 2013 में राव विधानसभा से विधायक के रूप में की थी। उन्होंने 2018 में राव से दूसरी बार चुनाव जीता, लेकिन 2023 में हार गए। वह मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की सत्ता में आने की उम्मीद थी। पार्टी 230 सदस्यीय विधानसभा में से केवल 66 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि भाजपा ने राज्य में 163 सीटें